हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करना। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, वांग जी और वीन एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे। हमारा डेविल टीचर हमारे इनोसेंट बॉस के साथ इंटीमेट हो चुका था, देन वो दोनों ऐसे ही सो चुके थे। अब यहाँ से हम डायरेक्टली सीधा मॉर्निंग का सीन देखते हैं। अरे इसे हम मॉर्निंग नहीं कह सकते, सीधा नाइट कहेंगे। नाइट के 4 बजे, हाँ ये हमारे लिए सुबह ही है, वैसे भी 4 बजे का हम सीन देखते हैं, ठीक है। हमारा वीन जो था ना, वो धीरे धीरे अपनी आँखों को ओपन करता है धीरे धीरे, और वीन को भूख लगी थी, इसके कारण वीन का जो पेट था ना, वो बातें करने लगा था, गुड़ 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 करने लगा था। इसलिए वीन धीरे धीरे अपनी आँखों खोलते हुए, मुझे भूख क्यों लगी है इतने रात को, ऐसे वीन कहता, अपने पेट को टच करता है। देन उसके बाद उसे धीरे धीरे जो है ना, अपने कमर में दर्द महसूस होने लगता है, क्योंकि विंग अपने आप को टर्न करा रहा था, पलटा रहा था, इसके कारण विंग को अपने कमर में दर्द महसूस होता है। और विंग कहता है, हाँ ये दर्द क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया है, हाँ इतना दर्द क्यों हो रहा है। ऐसे विंग जैसे जो नींद में अपने सर को हिलाते हुए जैसे अपने कमर को टच कर रहा था, तभी विंग के ऊपर हाथ गिरता है, जिसके कारण विंग जल्दी से आके खुलता है, कहते हैं ये क्या है। ऐसे कहते हैं विंग थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि विंग के ऊपर हाथ आ चुका था ना इसके कारण। तभी विंग जल्दी से अपनी आँखें खोलता है, देन जो है ना उस हाथ को देखता है, और विंग कहते हैं क्या है। ऐसे कहते हैं जो विंग जस्ट टर्न होता है, और वो वांग जी को देख के शॉक था। वांग जी उसे टाइटली हक करे हुए था, वांग जी का हाथ जो था ना विंग के ऊपर था, एंड वांग जी का जो मुँह था ना विंग के शोल्डर के पास था, जहाँ पे विंग उसे देखता है वांग जी को अच्छे से, अपनी आँखों को अच्छे से खोल कर जिस विंग वांग जी को देखता है। और उसके बाद वो धीरे धीरे याद करता है सारी चीज़ों को, विंग सारी चीज़ों को याद करता है, उसके दिमाग में सारी चीज़ें आ जाती है, उन दोनों के बीच में क्या हुआ वो सारी चीज़ें हमारी विंग को आ जाती है दिमाग में। इसके बाद विंग के फेस पे एक बहुत बड़ी स्माइल थी, हाँ वांग जी और उसके साथ वांग जी और उसने ये सब किया है करके। विंग को ये जानकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और वांग जी के सामने उसने अपने प्यार के बारे में बात की है करके, ये भी जानकर हमारे विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और विंग जस वांग जी के फेस के तरफ अपने हाथ को जस ऐसे बढ़ाने ही वाला था जस उसे टच करने के लिए, बट विंग को तभी अपने हाथ को पीछे लेता है, और विंग को याद आता है कि कुरान उसके घर में इन्विटेशन कार्ड लेके आया था, इन्विटेशन कार्ड वांग जी के शादी का इन्विटेशन कार्ड लेके आया था करके, जो है ना हमारे विंग को पता चलता है। जहाँ पे विंग जो है ना वांग जी को देखता है, एंड वांग जी के हाथ को देखते हैं, और सॉरी सर मैंने क्या कर डाला, मैं भाग ले चुका था, मुझे आपको ये सब करने के लिए मजबूर नहीं करने चाहिए था सर, मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसे विंग मन में सोच रहा था। और जिस वांग जी के हाथ को पकड़ता है, देन धीरे से अपने बॉडी के ऊपर से उसे हटा देता है, और विंग जो ना उठने की कोशिश करता है, विंग को दर्द हो रहा था, विंग ने अपने जो मुँह जो था ना अपने लिप से दबा दिया था, विंग मुँह को अपने लिप से दबाने के बाद जो है ना विंग धीरे धीरे उस बेड से खड़ा हो जाता है, और धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए जस अब वांग जी का जस विंग हम शर्ट पहना हुआ था हमारा विंग जस अपने कपड़ों को देखता है, और अपने कपड़ों को उठाता है, अपने कपड़ों को पहनने लगता है जल्दी जल्दी में। और विंग कहता है मुझे यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसे विंग सोचता है। देन उसके बाद विंग धीरे धीरे अपने कदमों के साथ जो है ना बाहर जाना स्टार्ट कर देता है, और विंग खुद को दीवार का सहारा दे रहा था, और विंग को बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा ही। और विंग धीरे धीरे सीढ़ियों के पास आता है, और सीढ़ियों से भी धीरे धीरे वो नीचे जाने लगता है, धीरे धीरे वो सीढ़ियों से नीचे जा रहा था, तभी वहाँ पे कुरान आता है और विंग को देखता है, और कहता है क्या हुआ है तुम्हें, तुम इस तरह से क्यों चल रहे हो। जहाँ पे विंग ये वॉइस सुनता है तो विंग जिस जो ना फ्रीज हो जाता है, और सामने की ओर देखता है जहाँ पे कुरान बस उसे देख रहा था। विंग आप जहाँ पे कुरान कहता है कि हाँ मैं, पर तुम इस तरह से क्यों चल रहे हो। जहाँ पे विंग कुछ भी तो नहीं, कुरान कहता है तुम्हें हुआ क्या है, हाँ तुम इस तरह से क्यों चल रहे हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कुछ भी नहीं, और विंग जो है कुरान के सामने स्ट्रेट चलने की कोशिश करता है, जहाँ पे कुरान कहता है साफ साफ नज़र आ रहा है कि तुम ऐसे हिल डुल के चल रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें, हाँ बताओ। जहाँ पे विंग कहता है कुछ नहीं, और विंग को बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। तभी शिचान आते हुए, क्या हुआ अंकल। जहाँ पे कुरान कहते कुछ नहीं, ये फेमियान का बेटा है ना विंग, तो ये देखो इस तरह से चल रहा है, ये कल आया था ना हमारे घर में। जहाँ पे कुरान के ऐसे कहता है ना, जहाँ पे शिचान ओ अच्छा, और विंग को देखता है ऊपर से नीचे तक, विंग को स्कैन करने के बाद शिचान को विंग के नेक के पास बाइट के निशान नज़र आते हैं, एंड देन विंग की चाल को समझने के बाद शिचान समझ जाते हैं और विंग को देखते हैं। जहाँ पे विंग उनको देख रहा था, जहाँ पे शिचान कहते ओ तुम कहीं जा रहे थे विंग, तो विंग कहता है कि हाँ मैं घर जा रहा था। शिचान कहते इतनी जल्दी सुबह सुबह,
तो विंग कहता है कि हाँ मैं जल्दी जाना चाहता हूँ, मॉम डैड को पता नहीं है ना मैं यहाँ पे आया हूँ करके। कुरन कहते क्या आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को ये तक पता नहीं है, बताकर नहीं आते कि वो कहाँ जा रहे करके। हाँ जहाँ पे कुरन के ऐसे कहते हैं ना, शिजंग कहते हैं अंकल आप शांत हो जाइए ना, हाँ शांत हो जाइए। जहाँ पे विंग कहते कि मैं चलूँ, जहाँ पे कुरन कहते बट तुम्हें हुआ क्या है बताओगे? तो विंग कहता वो मैं वॉशरूम में फिसल गया, इसलिए रात को रुका था। जहाँ पे कुरन कहता ओ अच्छा, तो वांग जी ने बताया नहीं, डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया वांग जी ने? वांग जी भी ना सच में। जहाँ पे विंग उनको देख रहा था, जहाँ पे शिचान जो ना था जॉगिंग करके आए थे अभी अभी जस्ट, विंग इनको देखता है और धीरे धीरे सर्वेंट लोग भी आना स्टार्ट हो चुके थे। जहाँ पे विंग कहता इतनी इतनी सुबह कौन उठता है भाई, इतनी सुबह कौन उठता है, ऐसे विंग सोच रहा था। और विंग जैसे अपने कमर को टच करते ठीक है मैं चलता हूँ अंकल। जहाँ पे कुरान बस विंग को देख रहा था और कहता है कि ठीक है बराबर से जाना, अगर नहीं चल सकते हो तो रुक सकते हो, मैं डॉक्टर को बुला के लेके आता हूँ। विंग कहते नहीं अंकल मैं ठीक हूँ। तभी कुरान कहते कि वांग जी अभी तक उठा क्यों नहीं? हाँ जहाँ पे विंग कहते वो अंकल वो सो रहे सर। जहाँ पे कुरान कहते कि हाँ क्यों सो रहा है पता नहीं, ऐसे जो ना कुरान कहते। जहाँ पे शिचान जस विंग को देखते, जहाँ पे विंग जस अपने कमर को टच करते कहते ओह बस मुझे इस मेंशन से बस निकलना है, बस मुझे इस मेंशन से निकलना है, बस विंग तुम्हें बस मेंशन से निकलना है। विंग जस अपने आप में ही लगा हुआ था। जहाँ पे शिजन जस विंग को देखते हुए मन में कह रहे थे कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो सच है? हाँ मेरा भाई ये वांग जी, क्या जो मैं सोच रहा हूँ किया सच में उसने अपने स्टूडेंट के साथ वो सब किया है? हाँ ऐसे ही वो सोच रहा था। और कुरन कहते कि हाँ इससे पहले से तो इंटरेस्ट था इसमें बट क्या ये सब हो गया है? क्या मैं सोच जो सोच रहा हूँ कि ये सच है? शिजन भी सोच रहे थे। और विंग जस जाते हुए जो ना सोफे को पकड़ते ये कमर, मेरे कमर सच में पूरे काम से गई है, मेरे पैर कितने ज़्यादा शेक कर रहे हैं। तुम ना सच में डान वांग जी तुम एक नंबर के डेविल ही हो, पूरी तरह से डेविल हो, मेरी कमर तोड़ डाली है, मेरे पैर ठीक से काम नहीं कर रहे, मैं खड़े होने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है? डान वांग जी बस तुम एक बार मुझे मिलो, मैं तुम्हें ना गला दबा डालूंगा, ऐसे विंग मन में कह रहा था और जस वांग जी को गालियाँ दे रहा था बस। और विंग धीरे धीरे जो ना आगे बढ़ते जा रहा था, जस वो विंग अभी दरवाजे से बाहर कदम रखने ही वाला था कि वांग जी कहते विंग रुको, बस ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जिस जो ना डोर को पकड़े हुए था, जो वांग जी की वॉइस को सुनता है, जहाँ पे वांग जी की वॉइस जो थी ना वो बहुत ज़्यादा लाउड थी। तो अब हम देखते हैं वांग जी यहाँ पे कैसे आए। जहाँ पे वांग जी को भी सुबह उठने का जो ना हमेशा वो 4 बजे ही उठता है, बट आज थोड़ा सा आधा घंटा वो लेट हो चुका था। वांग जी जस अपनी आँखों को खोलता है तो वो जस अभी सोच रहा था कि वो विंग को देखेगा करके, उसके मन में चल रहा था। और वांग जस अपनी आँखों को खोलता है, सामने देखता है कि बेड तो खाली है बट बेड गर्म था। वांग जी कहता है कि वॉशरूम गया होगा शायद से, ऐसे कहता है वॉशरूम खड़े होकर जो ना वॉशरूम के पास जाता है विंग ऐसे कहता है, बट विंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। वांग जी डोर को ओपन करके देखता है और इधर उधर देखता है तो वहाँ पे विंग के कपड़े नहीं थे, जहाँ पे बस विंग का शर्ट था और कुछ नहीं था। वांग जी जस्ट जल्दी से बाहर आता है और वो देखता है कि विंग जो है ना जा रहा है घर के दरवाजे से बाहर। तभी वांग जी जोर से आवाज़ देता है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे वांग जी दौड़ते हुए जल्दी जल्दी नीचे आ रहा था, जहाँ पे विंग जस्ट फ्रीज था। विंग कहता है हाँ क्या करूँ ये सर उठ क्यों गया, ऐसे विंग सोच रहा था। और विंग वहीं पे फ्रीज था जहाँ पे वांग जी वहाँ पे आता। कुरान कहते तुम इतने जोर से चिल्ला क्यों रहे हो इतने सुबह सुबह? वांग जी इग्नोर कर देता है अपने अंकल को और जल्दी जल्दी विंग के पास जाता है और कहते तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ जहाँ पे विंग वो सर मैं घर जा रहा हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो तुम्हें घर जाने की क्या ज़रूरत है? हाँ जहाँ पे वांग जी जस विंग के हाथ को पकड़ ले, विंग कहता वो सर मैं बस घर जाना चाहता हूँ। जहाँ पे वांग जी कहते अगर तुम्हें घर ही जाना था तो तुम बाद में जा सकते हो। हाँ जहाँ पे विंग कहते हाँ सर हाँ, ऐसे विंग कहता पर सर मैं अभी चला जाता हूँ ना, मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। तो वांग जी कहते कोई ज़रूरत नहीं है तुम मेरे साथ चलो। विंग कहता नहीं सर। जहाँ पे वांग जी कहते चलो, ऐसे थोड़ा सा विंग को खींचता है कि विंग को ऐसे विंग अपने कमर को टच करता है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और उसके बाद वांग जी कहते इतना दर्द हो रहा है, तो विंग उसे देखता है घूर घूर के। विंग के मन में चला था तुम्हारे कारण ही तो ये मेरे कमर की बैंड बजी हुई है, अब तुम ही मुझे पूछ रहे हो कि दर्द हो रहा है। जहाँ पे वांग जी जिस विंग को देखता है और विंग को डायरेक्टली ब्राइडल सेल में उठा लेता है। जहाँ पे कहते सर सर सर, वांग जी कहता है कि चुप रहो, ऐसे कहता है। देन विंग को उठाते हुए जाते हुए कहते हैं कि अंकल मेरे कमरे में जो ना ब्रेकफास्ट भेज दिया, आई एम सॉरी मैं आप सब लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, ऐसे वांग जी कहते हुए जो ना विंग को उठाकर लेके जा रहा था। जहाँ पे कुरन कहते ये सब क्या है, हाँ मुझे ये सब क्या देखने पड़ रहा है, हाँ शादी से पहले ये सब क्या कर रहा है ये वांग जी? जहाँ पे शिचान कहते कि अंकल आपको नज़र नहीं आ रहा है क्या? जहाँ पे कुरान कहते कि हाँ बट ये शादी से पहले ये सब क्या कर रहा है वांग जी? जहाँ पे जो विंग कहते कि शादी से पहले हाँ ये सब क्या कर रहा है, मतलब ऐसे विंग सोच रहा था। विंग कहते कि देखिए आपके अंकल बोल रहे कि शादी से पहले ये सब नहीं करना चाहिए करके, हाँ आपकी शादी होने वाली है सर मुझे नीचे उतार दीजिए। जहाँ पे वांग जी कहते चुप रहो। जहाँ पे विंग कहते सर आपकी शादी होने वाली है, शादी होने वाली है।
दूसरा हम शीशान को देखते, जहाँ पे शीशान कहते अंकल रिलैक्स आप शांत हो जाइए ना, हाँ जहाँ पे तभी शीशान कहते कि शांत हो जाइए ऐसे कहते, तभी कुरान कहते दो मेरा फ़ोन दो ऐसे कहते, मैं फेमियन को बताता हूँ आई मीन टू से विचांसी को बताता हूँ कि ये कैसा है, तो ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद जो ना फ़ोन को निकालते हैं और फेमिया बोले तो विचांसी को वो कॉल करते हैं, विचार सिंह को वो कॉल कर चुके थे। तब हम दूसरी तरफ विंग और वांगजी को देखते हैं, वांगजी विंग को कमरे में लाने के बाद बेड पर आराम से लिटा देते हैं, तुम कहाँ भाग रहे थे, हाँ जहाँ पे विंग, नहीं तो मैं भाग नहीं रहा था, मैंने कहा ना सर मैं घर जा रहा था, तो वांगजी कहते हैं विंग इतना भी मुझे पागल मत समझो, हाँ इतनी सुबह सुबह और तुम घर, तुम्हें उठने में तो बहुत ज़्यादा आलस आता है। जहाँ पे विंग वो जहाँ पे वांगजी कहता है कि क्या तुम मुझसे भाग रहे थे, विंग हाँ अब काम हो चुका है ना सर, तो वांगजी कहते हैं काम कौन सा काम, जहाँ पे विंग कहता है कि मैं तो बस, वांगजी कहता है हाँ, जहाँ पे विंग कहता है हम दोनों बस इंटीमेट तो हो सकते हैं सर, हम दोनों के बीच में कुछ भी तो नहीं है ना, जहाँ पे वांगजी कहता है मतलब क्या है तुम्हारा, जहाँ पे विंग कहता है अब तो आपकी शादी होने वाली है ना सर, है ना, जहाँ पे वांगजी जस उसे देखते कहता है हाँ वो तो होने वाली है, जहाँ पे विंग कहता है तो फिर आप क्या चाहते हो सर, जहाँ पे वांगजी कहता है कि मतलब क्या है तुम्हारा विंग, जहाँ पे विंग कहता है तो मैं यहाँ पे रहूँ आपके साथ, क्या आप ये चाहते हो कि आप बस मेरे साथ मज़े करें, आई मीन टू से बस आप मेरे साथ सोए और मैं बस जब आपकी शादी हो और देखता रहूँ, जहाँ पे वांगजी कहता है नहीं तो मैं तो ऐसा नहीं चाहता हूँ, तो विंग कहता है क्या मतलब है आपका, आप नहीं चाहते हो, मुझे कन्फ्यूज़ कर रहे हो सर, आपका शादी होने वाला है तो आप तो ऑफकोर्स यही करोगे ना, तो वांगजी कहता है क्या मैं ये करूँगा, मतलब तुम सोच रहे हो कि मैं बस तुम्हारे साथ बेड पर हमेशा सोता रहूँगा, यू मीन टू से बस हम इंटीमेट होंगे, है ना यही कहना चाहते हो ना, तो विंग हाँ में सिर लगता है, वांगजी कहते तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तो विंग कहता है क्योंकि अब आपकी शादी हो जाएगी फिर आपके लाइफ में आपके पास आपका लाइफ पार्टनर आ जाएगा, देन आप मेरी तरफ थोड़ी ना ध्यान दोगे सर, जहाँ पे वांगजी बस विंग को देखते ओ अच्छा ऐसा है क्या, तो विंग कहता है कि हाँ क्यों सर आपको नहीं लगता है, जहाँ पे वांगजी कहता है विंग ओ अच्छा ऐसा है क्या, जहाँ पे विंग हाँ में सिर लगाता है, जहाँ पे वांगजी कहते हैं कि तो तुम मेरे बेड वार्मर नहीं बनना चाहते हो, विंग कहता है क्यों, तो वांगजी मन में कहता है वांगजी विंग को देखते हैं मैं तो सोच रहा था जब तक मेरी शादी नहीं होती है तब तक हम दोनों रोज़ नाइट स्पेंड करेंगे, विंग कहता है हाँ, तो वांगजी कहता है कि हाँ मैं सोच रहा था विंग, वैसे भी कल तुम बहुत ज़्यादा डिस्परेट लग रहे थे ना बहुत ज़्यादा ही, जहाँ पे विंग अपने सर को नीचे करते हुए वो सर, जहाँ पे वांगजी कहता है कि क्या तुम्हें रात का जो भी किया मैंने वो सच में पसंद नहीं आया, जहाँ पे विंग नहीं ऐसा नहीं है, तो वांगजी कहता है कि तुम्हें पसंद आया तो जब तक मेरी शादी नहीं होती है तब तक तो हम ये सब कर सकते हैं ना विंग, विंग जो वांगजी को देख रहा था, विंग कहता है मतलब आप अपनी वाइफ को होने वाली वाइफ को चीट करोगे, तो वांगजी कहता है किसे परवाह है क्या फ़र्क पड़ता है उसे थोड़ी ना पता चलने वाला है, हाँ और वैसे भी तुम अपनी बॉडी की नीड्स ही पूरा करना चाहते हो ना मेरे साथ, हाँ जहाँ पे विंग कहता वो सर, वांगजी कहता है क्या, तो विंग कहता है मैंने आपको बता दिया था ना सर, तो वांगजी कहता है कि क्या बताया था, विंग कहता है कि मैं शायद आपको पसंद करता हूँ, जहाँ पे वांगजी कहता है ओ विंग तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी ज़रूरत बन चुका हूँ आदत बन चुका हूँ तुमने ये कहा था, तो विंग कहता है तो हाँ इसी का मतलब होता है ना सर कि मैं पसंद करता हूँ करके आपको, तो वांगजी कहता है ओ अच्छा, तो विंग कहता है आपने भी तो लास्ट टाइम कहा था ना सर कि आप मुझे पसंद करते हो करके, है ना, तो वांगजी कहता है हाँ मैंने कहा था विंग, मैं कब कह रहा हूँ कि मैंने नहीं कहा था, तो विंग कहता है तो वांगजी कहता है बट विंग वो तब की बात थी और अब एक अलग बात है, तो तुम सोचो विंग अब मैं क्या करूँ बताओ, हाँ मेरी शादी फिक्स हो चुकी है, अगर तुम इससे पहले कुछ कहते तो शायद कुछ हो सकता था, बट तब तक तुम चाहो तो हम दोनों रिलेशनशिप में रह सकते हैं, विंग कहता है हाँ, तो वांगजी कहता है कि हाँ मेरी शादी को होने में टाइम है वांगजी, मेरी शादी होने के लिए टाइम है विंग, विंग कहता है ओ, तो वांगजी कहता है कि हाँ 15 दिन तो बाकी है, तब तक तुम चाहो तो हम दोनों एक दूसरे के साथ हो सकते हैं हमेशा, और कल जो तुम्हें सेटिस्फैक्शन फील कराए वो रोज़ कराऊंगा, जहाँ पे विंग वांगजी को देख रहा था, ये सुन के हमारे विंग को बुरा तो लग रहा था, वो क्या कहे, विंग कहता है 15 दिन, तो वांगजी कहता है कि हाँ 15 दिन, तो क्या तुम तब तक मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे, हाँ वैसे भी मैं तुम्हें पढ़ाने तो आऊँगा ना, जहाँ पे विंग वांगजी को देख रहा था, विंग कहता है कि क्या सच में, तो वांगजी कहता है कि हाँ, वांगजी कहता है कि क्या तुम बनना चाहोगे मेरे बॉयफ्रेंड, तो विंग कहता है कि हाँ ठीक है सर मैं आपका बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ, वांगजी कहता है ठीक है फिर ये तो बहुत अच्छी बात है चलो फिर मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ ठीक है, तो विंग कहता है कि हाँ, बट तभी विंग का पेट बोलने लगता है गुड़गुड़ करने लगता है,
फिर वाक जी कहता है ओ तुम्हें भूख लगी है, तो विंक कहता है कि हाँ इन सारे चक्कर में मैं तो भूल ही गया था कि मुझे भूख लगी है करके। विंक कहता है हाँ थोड़ी सी। जहाँ पे वाक जी कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आ जाता हूँ ओके। जहाँ पे विंक सिर्फ हाँ में सिर हिला था एंड वाक जी वहाँ से जा चुका था। विंक बस उस बेड को देखता है जो मेस फैला हुआ था थोड़ा बहुत। विंक और वाक जी रात को सोए थे। विंक कहता है कि 15 दिन के बाद उनकी शादी हो जाएगी। हाँ शादी हो जाएगी, बस मेरे पास उतना वक्त है उनके साथ बिताने के लिए, अपने टीचर के साथ बिताने के लिए। हाँ और ऊपर से मैं किसी और को पसंद कर ही नहीं सकता, किसी के और के लिए फील भी नहीं कर सकता हूँ, बस टीचर के अलावा, बस मेरे टीचर के अलावा। तो मुझे उनके साथ हाँ जितना वक्त मिलता है मैं उतना बिताऊँगा, बाद में जब उनका शादी हो जाएगा तो मैं उनसे दूर हो जाऊँगा, विंग यही सोचता है। दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जस्ट नीचे आता है जहाँ पे कुरान जिस वांग जी के सामने आते कहते हाँ ये सब क्या था। हाँ वांग जी कहते कुछ नहीं अंकल कुछ भी नहीं था। तभी शीचान जस वांग जी को इशारा करते हुए कहते ओह अच्छा कुछ भी नहीं था। जहाँ पे वांग जी जस कहते गग्गा आप ही। जहाँ पे शीचान कहते कि बताओ। जहाँ पे वांग जी कहते कुछ नहीं बस ब्रेकफास्ट लेने के लिए आया हूँ और आप लोग ये बातें मत करिए ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो है ना वांग जी ब्रेकफास्ट को लेता रहा अपने कमरे में आता और विंग को देखते। जहाँ पे विंग बस सैड था वांग जी आने के बाद बस एक स्माइल करता है। जहाँ पे वांग जी उसे देखते हुए कहता है कि हाँ चलो ये खा लो ऐसे कहता है। देन वो विंग को खाने के लिए दे देता है जिसके बाद वांग जी कहता है मैं फ्रेश होकर आता हूँ। विंग कहता है ओके। देन उसके बाद विंग खाता रहता है और वांग जी आता है फ्रेश न होने के बाद। वांग जी जस्ट अपने कमर के अराउंड जस्ट टॉवल लपेट कर आया था। जहाँ पे विंग खाते हुए जस्ट वांग जी को देख रहा था और उसका फेस पूरी तरह रेड हो चुका था। वांग जी कहते हैं कल रात भी तो तुमने इसी तरह से मुझे देखा है ना विंग, क्या भूल गए हो। जहाँ पे विंग कहते हैं कि मैंने नहीं देखा है। वांग जी कहता है ओ रियली विंग तुमने मुझे नहीं देखा है। विंग बस अपने सर को जो है ना दूसरी तरफ कर देता है बट हमारा वांग जी बस विंग को बस ऐसे देखता रहता है और कहता है कि ओह तुम जितना चाहे मुझे देख सकते हो विंग जितना चाहे। जहाँ पे विंग कहता है मैं नहीं देख रहा हूँ ऐसे कहता है। देन वांग जी जो कहता है कि ठीक है एंड वांग जी जल्दी जल्दी कपड़े पहन रहा था हमारे विंग के सामने ही। जहाँ पे विंग कहते बट आप बहुत ज़्यादा नॉटी हो सर। जहाँ पे वांग जी कहते ओ रियली विंग। विंग हाँ में से रिला था। जहाँ पे वांग जी कहते तुम जल्दी जल्दी खाओ वरना तुम्हारी लिप्स मुझे अट्रैक्ट कर रहे खुद की तरफ तुम्हें किस करने के लिए। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहते हैं कि हाँ तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी लिप्स बहुत ज़्यादा टैम्पटिंग है करके। जहाँ पे विंग कहते नहीं तो ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी बस एक स्मक करता है एंड विंग के पास आता है और विंग जो खा रहा था ना उस विंग के मुंह के साथ अपने मुंह को अटैच करता है। देन वांग जी उसे खाने लगता है और विंग शौक था। वांग जी बस उसे खाते हुए किस करते जा रहा था। जहाँ पे विंग पूरा शौक था। विंग का तो आँखें ही खुली हुई थी और वांग जी आँखें बंद करके हमारे विंग को किस करता है कुछ टाइम तक। और जो विंग जो खा रहा था ना सैंडविच वो वांग जी और विंग के मुँह में दोनों के मुँह में चला जाता है। जिसके बाद ये दोनों खाना खाने के बाद जो ना ब्रेकफास्ट होने के बाद वो दोनों नीचे की ओर आ जाते। नीचे आने के बाद जो ना वो दोनों निकल जाते। जहाँ पे दोनों निकल चुके थे वो शांत थे। जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग कहता है कि हाँ। वांग जी कहता है तो आज तुम पढ़ना चाहोगे। तो विंग कहता है कि आज। तो वांग जी कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है कि हाँ। एंड देन उसके बाद वो लोग जा रहे थे तभी वांग जी जो ना एक मेडिसिन शॉप के सामने रुक जाता है क्योंकि विंग को दर्द था इसके कारण वांग जी वहाँ से कुछ मेडिसिन को लेकर आता है। देन विंग से कहते ये लो और ये खा लो और वांग जी विंग को पानी और मेडिसिन देता है। विंग कहते ये क्या है। तो वांग जी कहते तुम्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो विंग कहते तकलीफ। तो वांग जी कहते कि हाँ तुम्हारे बट में ऐसे। वांग जी कहते जहाँ पे विंग कहते कि और विंग दवाई को खा लेते ऐसे करते हुए जो ना वो विंग के घर के पास पहुँच चुके थे। जिसके बाद वो लोग बाहर निकलते और जाने लगते हैं। जहाँ पे विंग कहता कि वैसे सर। वांग जी कहते कि हाँ वैसे सर वो लड़की कौन है जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है। जहाँ पे वांग जी कहते क्या तुम्हें जानना है। तो विंग कहते नहीं नहीं रहने दीजिए। जहाँ पे वांग जी कहते अगर नहीं जानना है तो पूछ क्यों रहे हो। जहाँ पे विंग कहते कि छोड़िए सर छोड़िए ऐसे कहते। दोनों अंदर आ जाते। जहाँ पे विंग के मॉम डैड वापस आ चुके थे और कहते विंग बेटा तुम कहाँ थे। और वांग जी को पीछे देखते जिसके बाद जो है ना वो कहते कि ओ अच्छा तुम अपने टीचर के साथ हो। तो वो कहते कि हाँ। विंग और विंग के टीचर जितना अपने विंग के कमरे की ओर निकल जाते हैं। जहाँ पे कमरे में पहुँचने के बाद वांग जी कहता है कि चलो फिर तुम जाओ फ्रेश हो जाओ ठीक है मैं तब तक तुम्हारे लिए किताबें निकाल के रखता हूँ। जहाँ पे विंग हाँ में से लाता है और ये सुबह के जो है ना 9 बज रहे थे ठीक है। जहाँ पे विंग फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जहाँ पे हमारा वांग जी बस विंग के कमरे में इधर से उधर घूम रहा था तभी हमारे वांग जी को कुछ नॉवल्स नज़र आती है जो बीएल नॉवल्स थी। वांग जी उसे देखता है क्योंकि विंग पढ़ रहा था इन नॉवल्स को। जहाँ पे वांग जी उन नॉवल्स को पढ़ते ओ माय गॉड विंग की ये भी चॉइस होने लगी है। ऐसे वांग जी कहते हैं जो ना उन किताबों को पढ़ते जा रहा था और वांग जी का फेस तो रेड हो रहा था उसके कान भी रेड हो रहे थे बट वांग जी के फेस पे एक स्माइल थी। एंड कुछ टाइम के बाद हमारा विंग फ्रेश अप होने के बाद वो बाहर आता है और वांग जी को देखते हैं। जहाँ पे वांग जी आराम से कुछ पढ़ रहा था विंग जस्ट उन्हें इग्नोर करते हुए जो ना वो जस्ट अपने कपड़ों को लेता है और पहन लेता है अच्छे से। एंड देन उसके बाद जो है ना वो कहते हैं कि हो गया सर। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देखते ओ अच्छा हो गया है विंग। विंग कहता है कि हाँ सर। जिसके बाद वांग जी कहते हैं कि चलो विंग
तुम जो ये किताबें पढ़ रहे हो, चलो हम ये सब ट्राई करते हैं। मिंग कहते कौन सी किताब सर, कौन सी किताब? वांग जी जस उस बुक को ऊपर करता है, देन मिंग के सामने उसका पेज दिखाता है, जिसके बाद विंग के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी और विंग उस किताब को छीनते हो, कहते सर दीजिए मुझे, दीजिए सर दीजिए, ऐसा मत करिए, आप इसे मत पढ़िए सर। जहाँ पे वांग जी कहते ओ माय गॉड विंग, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें ये भी पसंद है करके। विंग नहीं सर ऐसा नहीं है, नहीं सर ऐसा नहीं है। जहाँ पे वांग जी बस हंसते कहते ओ विंग हम ट्राई करते हैं ये वाला करते हैं। जहाँ पे विंग कहते हाँ नो नहीं नहीं सर, जहाँ पे वांग जी कहते करते हैं ऐसे कहते हैं। देन विंग कहते वो वांग जी कहते क्या क्या विंग? विंग कहते मेरी कमर में दर्द है। वांग जी कहते दवाई खाने से दर्द तो चला गया होगा। विंग विंग कहते कि बट सर। जहाँ पे वांग जी कहते चलो करते ऐसे कहते हैं। वांग जी उस किताब को नीचे फेंक देता है, देन विंग के कमर में हाथ डालता है, विंग को सीधा अपनी तरफ खींचता है। विंग ज़्यादा सीधा हमारे वांग जी के ऊपर जाकर बैठ चुका था। जहाँ पे विंग कहते सर, जहाँ पे वांग जी कहते क्या हुआ विंग, हाँ तुम करना नहीं चाहते हो? जहाँ पे विंग बस वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी बस विंग के लिप्स की तरफ देख रहा था, वांग जी की आँखें पूरी नशेड़ी हो चुकी थी। जहाँ पे विंग कहते ठीक है ऐसे कहते हैं। देन वांग जी विंग के सर को पकड़ता है, देन लिप्स के साथ अटैच करता है और वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को डीपली किस करना स्टार्ट कर चुके थे। कुछ टाइम तक इन दोनों का ऐसे ही किस चलता है। जहाँ पे वांग जी बस विंग से कहते हैं बहुत ज़्यादा डिलीशियस हो विंग, सच में बहुत ज़्यादा ही, ऐसे वांग जी कहते हैं। देन वांग जी विंग के कमर को उठाता है और कमर को उठाकर जो है ना बेड के पास लेके आ जाता है और विंग को बेड के ऊपर सुलाता है। बट पहले वो दरवाजे के पास जाता है, दरवाजे को अच्छे से बंद करता है, देन विंग के पास आता है। जहाँ पे विंग जिस बेड पर लेटा हुआ था, वांग जी उसके ऊपर आते हुए कहता है कि विंग सच में तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो, बहुत ज़्यादा ही। विंग वांग जी को देखते आप बहुत ज़्यादा हो सर, ऐसे विंग कहता है। बट हमारा वांग जी विंग के बॉडी से जो भी विंग ने कपड़े पहने थे ना उन्हें उतार कर फेंक चुका था और वांग जी खुद के भी कपड़े ज़मीन पर पड़े हुए थे। एंड देन हमारा वांग जी जस्ट विंग के बॉडी को टच करते जा रहा था और वांग जी और विंग की बॉडी एक दूसरे से जो ना चिपक रही थी, बहुत ज़्यादा रफ हो रही थी। रफ होने के कारण दोनों इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रही थी। एंड देन हमारा वांग जी बस विंग के ईयर को लिक करना, सक करना, बाइट करना, जहाँ पे रात को उसने जो निशान दिया था और उन निशानों को गहरा करना। विंग जस्ट मौन कर रहा था, हमारा वांग जी का नाम लेते हुए टीचर डेविल डेविल टीचर ऐसे जस्ट विंग कहते जा रहा था। एंड हमारा वांग जी कंटिन्यूसली विंग के साथ जस्ट फोर्स प्ले खेल रहा था, यानी उसके बॉडी को जो ना प्लेजर महसूस कराना, उसके अंदर अपने फिंगर को एंटर करवाना। बट विंग के अंदर वो खुद एंटर नहीं हो रहा था, विंग को पूरा तड़पा रहा था। जहाँ पे विंग कहता कि सर प्लीज़ मैं आपको फील करना चाहता हूँ, सर प्लीज़ प्लीज़ सर प्लीज़। जहाँ पे वांग जी बस एक स्माइल करता है और उसके बाद अपने आप को विंग के अंदर धीरे धीरे एंटर कराना स्टार्ट कर देता है। और विंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, लास्ट टाइम जो तकलीफ हुई थी ना वही अभी भी उसे वही तकलीफ हो रही थी। इस टाइम पे वांग जी ने लूप का इस्तेमाल नहीं किया था। वांग जी विंग के घर में थोड़ी ना ये सब होगा, वांग जी के घर में हो सकता है भाई। तो विंग जो है ना जस्ट चिल्ला रहा था और वांग जी जस्ट विंग के अंदर धीरे धीरे एंटर होते जा रहा था, कंटिन्यूसली वो एंटर हो रहा था। जहाँ भी विंग जस्ट चिल्ला रहा था, वांग जी बस एक स्माइल करते हुए कहते कि बस थोड़ी देर तुम बहुत ज़्यादा टाइट हो चुके हो विंग, कल लास्ट टाइम ही तो हमने किया था। जहाँ भी विंग को शर्म आ रही थी, बट हमारा वांग जी विंग के अंदर पूरी तरह से एंटर हो चुका था। एंड देन वांग जी धीरे धीरे अपनी बॉडी मूवमेंट्स को स्टार्ट करता है एंड विंग की सांसें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होती जा रही थी। जहाँ पे वांग जी विंग के ऊपर था एंड वो बार बार विंग को जो ना बहुत ज़्यादा हिट करते जा रहा था, वो भी ज़ोर ज़ोर से, जिसके घर विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था क्योंकि विंग को तकलीफ हो रही थी। एंड वांग जी जस्ट विंग के पूरे बॉडी के अंदर समा जाना चाहता था, पूरी तरह से वो अंदर जाना चाहता था, इसलिए वांग जी बार बार विंग को ज़ोर ज़ोर से हिट कर रहा था, जिसके कारण विंग जस्ट चिल्ला रहा था और मौन कर रहा था हमारे वांग जी का नाम लेते हुए। एंड देन वांग जी ऐसे ही करते जो ना फर्स्ट राउंड को कम्प्लीट करता है। एंड देन उसके बाद उसकी किताब को उठाता है ज़मीन से, उठाने के बाद वो विंग को उस पोज को दिखाते हुए जस्ट विंग के साथ उस किताब में वांग जी के सामने जो पोज आते हैं ना वांग जी उस पोज में हमारे विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग जो विंग के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था क्योंकि विंग यहाँ खड़ा वहाँ खड़ा, उसका पैर कहाँ उसका हाथ कहाँ सब कुछ बिखरा हुआ था। एंड वांग जी बस विंग के साथ बैक से कभी आगे से कभी पीछे से हर जगह से विंग के साथ वो बस इंटीमेट हो रहा था। एंड देन विंग तो पूरा लाल हो चुका था, पूरा उसका फेस रेड, उसकी बॉडी रेड, उसके बट रेड, सब कुछ। बट वांग जी का जो स्टैमिना था ना, विंग समझ नहीं पा रहा था कि उसके डेविल टीचर का स्टैमिना इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है। कल रात को उसने तो मार ही डाला था, अब तो क्या उसकी जान छोड़ के मानेंगे, विंग को समझ भी नहीं आ रहा था। और वांग जी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, विंग जस्ट बोलना तो बहुत कुछ चाहता था बट विंग के मुँह से कुछ निकल नहीं रहा था क्योंकि विंग बस सांसें ले रहा था और विंग जो ना सांसें ले रहा था गहरी गहरी, बस विंग बोलना चाहता था बट क्या कहे कर सकते, विंग कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। एंड वांग जी कंटिन्यूसली विंग के साथ ऐसे ही इंटीमेट हो रहा था और ऐसे इन दोनों को इंटीमेट होते हुए जो ना शाम हो जाती है। जहाँ पे शाम हो चुकी थी वांग जी की अभी भी जो बॉडी मूवमेंट्स थी ना अभी भी स्टार्ट थी सुबह के 10 से अभी तक जो ना शाम हो चुकी थी, कहे तो 5 बज चुके थे। जहाँ पे तभी डोर पे नॉक होता है और आवाज़ आती है कि टीचर विंग आप लोगों के लिए हम ब्रेक जो ना
ये लाए क्या बोलते स्नैक्स स्नैक्स लेके आए हैं पढ़ाई के लिए, ऐसे वो लोग बोलते हैं। जहाँ पे वांग जी ये सुनता है तो वांग जी बस रुक जाता है और विंग को देखता है। जहाँ पे विंग जो है ना नीचे पड़ा हुआ था, बस उसके नीचे पड़ा हुआ था, जहाँ पे विंग जो ना हिलने के काबिल भी नहीं बचा हुआ था, वांग जी बस उसे देखता है और विंग जो है ना गिरी गिरी बस सांसें ले रहा था। वांग जी बस विंग से थोड़ा सा डिसकनेक्ट हो जाता है। देन उसके बाद वांग जी बस अपने ऊपर की शर्ट को पहनता है, अपने बालों को देखता है थोड़ा सा, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा अपनी मुंडी को बाहर निकालता है और कहता है कि थैंक यू विंग पढ़ाई कर रहा है। वो कहते हैं ओ ओके सर, ऐसे कहते हैं। देन वो स्नैक्स वांग जी ले लेता है, स्नैक्स को लेने के बाद वांग जी अंदर रख देता है, डोर को बंद करता है। देन उसके बाद वो विंग के पास आता है जहाँ पे विंग वांग जी के सामने ऐसे ही पड़ा हुआ था, जहाँ पे विंग की बॉडी उसे काम ही नहीं कर रही थी। विंग को ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था, उसका बॉडी जो है उसे महसूस ही नहीं हो रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी की आंखों में देखता है, जहाँ पे वांग जी कहते तुम ठीक हो। विंग कहता कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस इतना है मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, मुझे ना अपनी लोअर बॉडी महसूस हो रही है ना अपर बॉडी महसूस हो रही है, कुछ भी नहीं। ऐसे विंग कहता है और वांग जी से कहते हैं मुझे पानी दो, मुझे बस पानी दो। जहाँ पे वांग जी कहते हैं ठीक है। एंड वांग जी विंग को जस्ट टर्न करता है अपनी तरफ, एंड उसके बाद वांग जी पानी का ग्लास उठाता है और विंग को पिलाते हुए विंग के बॉडी के ऊपर देखता है। जहाँ पे विंग के बॉडी के ऊपर वांग जी के बॉडी के निशान थे, कैसे कैसे निशान थे, वो सारी चीज़ों को देखता है। एंड वांग जी के कान फिर से रेड हो चुके थे, कहे तो वांग जी का लोअर पार्ट फिर से वेकअप हो चुका था। जहाँ पे वांग जी दूसरी तरफ देखते नहीं नहीं अब विंग बहुत ज़्यादा थक चुका है, मैं उसे और ज़्यादा परेशान नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी यही सोचता है। वांग जी विंग को पानी पिलाने के बाद कहता है कि तो चलो तुम्हें मैं बात दिला देता हूँ, ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है मैं बस सोना चाहता हूँ, मेरी बॉडी मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ भी काम नहीं कर रहा, ऐसे ही कहता है। जहाँ पे वांग जी जस विंग को उठाते कहते चलो बात ले लेते, उसके बाद तुम आराम से सो जाना, ठीक है। जहाँ पे विंग जस कहते कि हाँ, और विंग तो अब वांग जी को पकड़ भी नहीं सकता था, विंग के खुद के हाथ काम नहीं कर रहे थे, विंग के हाथ पीछे घूमे आगे घूमे हर जगह पे घूमते, वांग जी के नेक में घूमे, वांग जी की कमर में घूमे, कहाँ नहीं घूमे हमारे विंग के हाथ, तो विंग के हाथ भी दर्द करने लगे थे। जहाँ पे हमारा वांग जी विंग को जो है वॉशरूम में लेके आ जाता है, वॉशरूम में लाने के बाद विंग को अच्छे से बाथटब में बिठाता है और गर्म पानी को ऑन करता है। जहाँ पे विंग जस्ट बाथटब में बैठा होता है, जिस विंग की धीरे धीरे जस आँखें जो ना थोड़ी बहुत ओपन थी, बस वो वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी शावर के नीचे क्या कर रहा है करके हमारा विंग बस उसे देख रहा था। जहाँ पे हमारा वांग जी जो था ना अपने हाथों की मदद से अपने आप को रिलैक्स करा रहा था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा थका हुआ था ना, तो वांग जी फिर से विंग को जो ना पागल नहीं करना चाहती, यानी उसे पूरा बेहोश नहीं करना चाहता, इसलिए वांग जी खुद के हाथों की मदद से जो ना हाथों की मदद से जो ना खुद को रिलीज कराने की कोशिश कर रहा था। विंग जस धीरे छोटी छोटी आंखों से जो वांग जी को देख रहा था। विंग मन में कहता है कि ये डेविल कभी शांत नहीं हो सकता है क्या, हाँ थैंक गॉड मैं बच चुका हूँ, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी बस अपनी मुंडी को पलटाता है और विंग को देखता है, इसके कारण विंग थोड़ा सा डर चुका था हमारा विंग। एंड वांग जी